ने बहुत जगह रिकमेंड करा कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट एक अच्छा उर्वरक है इस टाइम जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करो। तो हमारे किसान भाई ये सोचे है कि भाई जैसे उन्होंने कीटनाशक लगा लिए, अब न्यू भाई एक बार और कीटनाशक उसी के अंदर मिला के लगा दे, कौन से उर्वरक, कौन से फर्टिलाइजर, कौन से खाद या कौन सी फंगीसाइड दवाई कैल्शियम नाइट्रेट के साथ किसान भाई प्रयोग कर सके हैं के बारे में जानकारी। सही सवाल है। देखो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ फास्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस हो, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट हो या डीएपी हो या एनपीके हो, ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अच्छा ये है कि एक फर्टिलाइजर को या एक न्यूट्रिएंट को। राम राम भाई। किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय वस्तु है, वो इस बात के ऊपर रखी गई है जैसे किसान का गन्ना बंध चुका है, तो भाई हमने बहुत जगह रिकमेंड करा कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट एक अच्छा उर्वरक है इस टाइम जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करो। तो हमारे किसान भाई ये सोचे है कि भाई जैसे उन्होंने कीटनाशक लगा लिए, अब न्यू भाई एक बार और कीटनाशक उसी के अंदर मिला के लगा दें, कौन से उर्वरक, कौन से फर्टिलाइजर, कौन से खाद या कौन सी फंगीसाइड दवाई कैल्शियम नाइट्रेट के साथ किसान भाई प्रयोग कर सके हैं। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे जानकारी लेंगे इस विषय में और फिर अपने किसान भी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आज का विषय है कि कैल्शियम नाइट्रेट जो है किसान यूरियम मिला के बंधाई के बाद लगा हुआ है, तो उसमें कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि जी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हम जो है कौन कौन से उर्वरक और भी प्रयोग कर सके हैं या कीटनाशक या फंगीसाइड प्रयोग कर सके हैं, तो इसके बारे में जानकारी। सही सवाल है। देखो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ फास्फेटिक फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस हो, चाहे वो सिंगल सुपर फास्फेट हो या डीएपी हो या एनपीके हो, ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि अच्छा ये है कि एक फर्टिलाइजर को या एक न्यूट्रिएंट को एक साथ ही डाले, या कंपनी ने दो का कॉम्बिनेशन, तीन का कॉम्बिनेशन, जैसे एनपीके है तीन फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है, डीएपी दो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है, ये आपका सिंगल सुपर फास्फेट है इसमें भी दो फर्टिलाइजर का सल्फर और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने बनाए चाहे तो वो इस्तेमाल करे या सिंगल सिंगल ही प्रयोग करे एक साथ खेत में। दूसरी बात यह है कि वैसे तो अब फर्टिलाइजर, आज तारीख है 7 अगस्त है या अगस्त का फर्स्ट वीक है, तो इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां मई जून का महीना भी आ जाता है गन्ने की बुआई करने में, गेहूं काट के बुआई होती है तो मई के महीने में तो होती है, तो उसे जून और जुलाई दो महीने मिले हैं, पहले गर्मी की मार रही है फिर बारिश हुई है, तो खेत कमजोर रह जाता है, ऐसी स्थिति में आप फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें फसल की वृद्धि भी करनी है, बढ़वार भी करनी है और उससे उपज भी लेनी है। तो जहां तक सवाल है कैल्शियम नाइट्रेट का, कैल्शियम नाइट्रेट को आप यूरिया में मिला सकते हैं, यूरिया में मिलाने से कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, तो इसमें आप एक बैग यूरिया और 15 से 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अकेले आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब लेट हो गया, यूरिया का प्रयोग अब नहीं करना चाहिए, तो अब अकेले कैल्शियम नाइट्रेट 15 से 20 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात है इसके साथ फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड। फंजीसाइड कोई भी जड़ में चाहे तो बुआई के टाइम पेंडे या बीज ट्रीट करने के काम आता है या खड़ी फसल पे स्प्रे के काम आता है, जमीन में बिखेरने से फंजीसाइड का कोई रोल नहीं है, जो जमीन के अंदर मित्र जीव या मित्र फंगस है वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो फंजीसाइड को जमीन पे प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए फंजीसाइड को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। दूसरे इंसेक्टिसाइड के रूप में हम चाहे तो दीमक के लिए या सफेद गिटार के लिए या टो बोरर के लिए फटेरा, वर्टागो इत्यादि या कार्बोफ्यूरान इत्यादि मिला लेते हैं, तो केवल किसी भी इस समय पे किसी भी इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग इसके साथ नहीं करना चाहिए, तो अकेले आप कैल्शियम नाइट्रेट या यूरिया मिला के ही प्रयोग करें, इससे ज्यादा उर्वरकों का कॉम्बिनेशन ना बनाएं।
अच्छा जैसे जी कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया किसान ने प्रयोग कर लिया, तो उसके कितने दिन बाद कीटनाशक का या और खरपतवार उसका उर्वरक का प्रयोग कर? देखो यदि आप दूसरे उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें नमी में प्रयोग किया है तो आप तीसरे दिन कर सकते हैं, और यदि प्रयोग करने के बाद पानी दिया है तो जब भी आप पैर सहार के उसमें घुस सके खेत में प्रयोग करने की स्थिति में तब प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है लिमिटेशन। दो केमिकल यदि टच में आ जाते हैं तो दोनों में परस्पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है या हमारी स्किन को थोड़ी बहुत डैमेज कर सकता है, इसलिए अनावश्यक जिन चीजों की जानकारी नहीं है वो नहीं प्रयोग करना चाहिए। कुछ वीडियो में जी पहली वीडियो के अंदर कमेंट है किसान के, तो उनके बारे में जानकारी देनी है जी। बताओ। ये जी इरफान हुसैन है, ये बोल रहे हैं मोनोक्रोटोफास तथा कार्टा 50% टॉप बोरर के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं लेकिन समय रहते हुए। मोनोक्रोटोफास को और कार्टा 50% को आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन समय रहते हुए। ये नहीं है कि आज टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी भी नुकसान कर चुकी है, आज इसको प्रयोग करने की मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता। टॉप बोरर का कोई भी इलाज करे तो 30 जून तक कर लेना चाहिए जी। गौरव राणा जी, वर्टागो और फटेरा गन्ने में कितनी ऊंचाई तक कारगर है? 6 फीट के गन्ने में लगा सकते हैं? देखो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला रखी है कि ये गन्ने में जब पोरी बन जाते जब नहीं चढ़ता, ऊंचे गन्ने में नहीं चढ़ता, कुदरत के जो बना हुए पाइप है उसमें सब चढ़ जाता है। ये पेड़ देखो आप, इस पेड़ की ऊंचाई 40 फीट होगी कम से कम या 30 फीट होगी। इसे आरी से काट दो आप, आज तो घटा का मौसम है, धूप नहीं हो रही, इस घटा के मौसम में भी आरी से काटते ही 15-20 मिनट बाद ऊपर की पत्ती झुलस जाएगी। तो ये साफ संकेत है नीचे से जो न्यूट्रिएंट है पानी है वो ऊपर तक लास्ट की जो सबसे ऊंची पत्ती है वहां तक जाता है। बढ़ने में जाने में टाइम लग जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहीं बीच में रुक जाता है। या पानी की कमी आ जाए, खेत में सूखा आ जाए, तो सपोज करो इतनी ऊंचाई का गन्ना यहां तक दवाई चढ़ी है तो पानी ना लगे, खेत में सूखा आ जाए तो वो यहां रुकी रहेगी, जब पानी लगा फिर ऊपर जाएगी। जसवीर सिंह जी वो बोल रहे हैं मैंने पहली बार गन्ना बोया, वीडियो देखकर मतलब गन्ने केयर कर रहे हैं, गन्ना बहुत अच्छा चल रहा है। देखो धन्यवाद है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो वीडियो से लाभ ले रहे हैं, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो मुझे सुझाव दे रहे हैं, और अनावश्यक कुछ लोग कमेंट करते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। स्टडी ब्लॉग है जी, वे बोल रहे हैं 0118 में मोजेक गन्ने की पत्तियों पर दिखाई दे रहा है, इसे कैसे रोकें? देखो मोजेक गन्ने की कोई बीमारी नहीं है, ये भी भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ लोग वीडियो को या इस पे क्या नाम मोजेक के लक्षण इस पे दिखाई देंगे यूट्यूब से, उससे भी अपने गन्ने को कोरिलेशन कर लेते हैं। गन्ने पे न्यूट्रिएंट की कमी से कुछ धब्बे, लाल धब्बे या बाद में वो काले हो जाते हैं, इस तरह का दिखाई दे जाता है। गन्ने में मोजेक कोई ऐसी बीमारी नहीं है, मोजेक बीमारी मालवेसी कुल में हो जाती है, तंबाकू वगैरह में होती है, मोजेक गन्ने की कोई बीमारी नहीं है। शालू शर्मा जी ये बोल रहे हैं टॉप बोरर के लिए क्या करें? टॉप बोरर के लिए देखो सबसे पॉपुलर दवाई कोराजन और फटेरा है, वर्टागो इसका रिप्लेसमेंट है, यही प्रयोग करने की मैं सलाह देता हूँ। बाकी खड़ी फसल पे स्प्रे कर रहे हैं तो एम्प्लीगो वगैरह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अमित तोमर है, ईख बंद गई है गन्ने में, सूंडी है, क्या करें जी? सूंडी तो अब तो जो सूंडी ने नुकसान करना था वो कर दिया, अब सूंडी का नुकसान स्प्रे करने से तो खत्म नहीं होगा। टॉप बोरर की आज की डेट में मैं प्रयोग करने की कोई दवाई प्रयोग करने की सलाह नहीं देता। अभिषेक कुमार जी, टॉप बोरर और पोका बोइंग के लिए कोई ऐसी दवाई जो दोनों को एक साथ स्प्रे करें तथा साथ साथ में नैनो यूरिया और 0.50 भी मिला सके? देखो एक दवाई या दोनों दवाइयों में यह है कि एम्प्लीगो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो आती है, एम्प्लीगो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नहीं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ नहीं मिला सकते इसको, एम्प्लीगो और आप एमिस्टार टॉप को मिला के प्रयोग कर सकते हैं जी। मोहित सैनी है जी, ये कह रहे हैं माइट्स के रोग के लिए कौन सा कीटनाशक लगाएं? देखो माइट के लिए वैसे तो माइटीसाइड होता है ओमाइट वगैरह, लेकिन इंसेक्टीसाइड में प्रोफेनोपोस भी आप प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा जी, एक भ्रांति सी फैला रखी है किसानों में कि जी 39 गन्ना जो है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, यानी 38 की जगह 39 अच्छा, ये 39 के बारे में बताओ। देखो अभी तक ये है कि 239 वैरायटी
निकली थी, लेकिन बाद में जब पता चला जिस वैरायटी को 239 नाम से रिलीज जरूर हुई थी लेकिन 239 ग्राउंड पे कहीं नहीं मिली थी, तो इसका एक स्पष्टीकरण भी आ गया था कि 239 नाम से भ्रमित ना हो, कहीं 118 को ही 239 कह देते, कहीं 238 को 39 कह देते, 239 वैरायटी कहीं नहीं है। साहिल चौधरी हैं जी, ये कह रहे हैं 0238 में कीट भी है, फंगस और बढ़वार नहीं हो रही, क्या करें जी इसका? देखो बढ़वार नहीं हो रही तो उसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें और आप COC का आप उसमें स्प्रे कर दें तो फंगस खत्म हो जाएगी। कीट का ऐसा यदि क्रॉप बोरर है तो उसके लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा आज की डेट में, यदि कोई पोका बोइंग वो सॉरी मिली बग या कोई अन्य कीट लगा है तो उसके लिए आप प्रोफेनोपोस और इमिडा क्लोरपीरिड का स्प्रे कर दें। विजयपाल सिंह है, स्प्रे करने का सही समय क्या होगा? जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि किसी भी टाइम टंकी लेकर चल दी है अपना। देखो हाँ, स्प्रे करने का सही समय चाहे तो सूर्योदय से पहले है या सूर्यास्त के बाद है, क्योंकि इसके पीछे साइंस ये है कि स्टोमेटा जो है जब हमारे गर्मी कम होती है तब स्टोमेटा खुलते हैं, उसमें जब स्प्रे लगता तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है दवाई। मोनू चौधरी है जी, वही रेड रोट के लिए कोई दवाई बताएं? रेड रोट के लिए एमिस्टा टॉप, गोडीवा सुपर तानोगा कंपनी की या एजोडेजो है मैनकाइंड कंपनी की, इनमें से 200 मिलीलीटर दवाई आप 150 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करें। ये केवल एक प्रिवेंटिव मेजर दे सकती है, उपचार नहीं है पूरी तरह से। नितिन गहलोत हैं जी, ये बोल रहे हैं फंगीसाइड को कीटनाशक और NPK साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या? फंगीसाइड कौन सा है? फंगीसाइड भी तो बहुत है, एक फंगीसाइड नहीं है। COC में रिकमेंडेशन ये है, COC के साथ केवल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला सकते हो और नहीं मिला सकते। यदि आप बाविस्टिन कार्बेंडाजिम वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ मिला सकते हैं। लास्ट कमेंट है जी, राजेंद्र ग्रेवाल हैं ये बोल रहे हैं गन्ना मई में बोया था, बढ़वार कम है, क्या करें? गन्ना मई में बोया था भाई, लेट तो बोया ही था, लेकिन शायद तो उसमें घास हुआ होगा, उसे वीड कंट्रोल समय पे नहीं किया होगा। अब तो यही है कि वीड है तो उसमें चाहे तो वीडिसाइड का स्प्रे कर दे जिसमें वेसनिट कंप्लीट आती है, जिसमें एट्राजिन और टोप्रामेजोल है, इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, इसका आप प्रयोग करें। 1200 मिलीलीटर दवाई 180 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें तो वीड कंट्रोल हो जाएगा यदि वीड है तो, और बाकी उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें, हल्का यूरिया भी प्रयोग कर देना चाहिए लेट बोई के करने में। एक कोर प्रीम का और आ रहा था आपका जी, बहुत है कमेंट है कि कोर प्राइम, जैसे FMC की कोर प्राइम आई है उसके बारे में जानकारी देनी है किसाना के यहाँ कि कितने दिन का उसका रिजल्ट है। देखो कोर प्राइमा जो है वो CTPRL क्लोर एंट्री प्रो नीलीप्रोल जो कोराजन फटेरा का साल्ट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वही कोर प्राइम में अंदर है। कोर प्राइम जो है उसमें 35% CTPRL होता है और ये ग्रेन्यूल फॉर्म है, WG फॉर्म में ये दवाई है। वैसे तो ये दवाई सब्जियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये होता है कि जो गाड़ी लड़कियों के लिए बनाई गई है उसे जेंट्स भी यूज करते हैं, स्कूटी लेडीज के लिए बनाई थी इसे जेंट्स भी यूज कर रहे हैं, तो गन्ने में भी उस दवाई को किसान यूज कर लेते हैं, तो गन्ने में 68 ग्राम दवाई 68 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे, या किसी दूसरी दवाई के कॉम्बिनेशन में जैसे FMC की ही कार्बोसल्फान मार्सल नाम से आती है, 500 मिलीलीटर मार्सल दवाई कार्बोसल्फान लेके उसमें 34 ग्राम आप कोर प्राइम मिला के 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करते हैं, तो इसका कोराजन जितना लंबा रिजल्ट ही बताते हैं, और मैं मानता हूँ कि 60-65 दिन ये काम करती है, 60-65 दिन बाद दोबारा इसका रिपीट कर देना चाहिए। अच्छा भैया, जैसे जो कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है तो कैसी लगी तुम्हें जानकारी? बहुत ही अच्छी जानकारी लगी है, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया है जी, ताकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या रोग है, किस रोग की दवाई है, जब तक हमको रोग का ही नहीं पता होगा तो दवाई क्या लगाएंगे हम। बिल्कुल सही, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या रोग है, उसकी कैसे पहचान करें जी, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया जी। होरा गाँव के अंदर ही
और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो आज की जो स्पेशल वीडियो ही वो थी भाई, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हमारे किसान भाई जो है कई कई तरीके की दवाई मिला दें, कीटनाशक भी मिला दिया, फंगीसाइड भी मिला दिया और एनपीके वगैरह पेल दिए उसमें, तो इस तरीके से ना करें भाई। कैल्शियम नाइट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया मिला के बखेरें, इसी चीज़ के ऊपर जानकारी दी गई है आज। तो भैया वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई किसी भी परेशानी में भाई वो कमेंट करें, नंबर जो हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ उस पर अपने फोटो भेज दें, मैं हम अगली वीडियो में उनके कमेंट भी सम्मिलित करेंगे और भाई जानकारी जल्दी से जल्दी देंगे उन्हें। राम राम भाई।